बैक टू माई चैनल डो एंड मी। और आज मैं आपके लिए एक और एक्साइटिंग रिव्यू लेकर आई हूँ, और स्पेशली मदर्स के लिए जिनके छोटे बेबीज हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट उनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। स्लर्फ फार्म का मिलेट एंड ओट्स ऑर्गेनिक पोरेज है ये, और इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। उससे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो स्लर्फ फार्म एक ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, और मेड बाय टू मदर्स, और इसमें कोई एडेड शुगर या सॉल्ट नहीं है। काफी वेरिएंट्स आते हैं इसके, काफी प्रोडक्ट्स आते हैं स्लर्फ फार्म के, जिसमें से मेरे पास है ये मिलेट्स एंड ओट्स 100% ऑर्गेनिक पोरेज। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, और प्रोटीन एंड फाइबर होता है इसमें काफी, तो अच्छा है आपके स्टमक के लिए भी। सो पीछे डिस्क्रिप्शन है और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो और स्लर्फ फार्म के आते हैं, सीरियल, सुपर फूड इंग्रेडिएंट्स, डोसास, पैनकेक, पफ स्नैक्स, नेचुरल स्वीटनर्स, ये सब कुछ इसका आता है। 250 ग्राम्स की पैकेजिंग है और 300 रुपीज इसका एमआरपी है, और बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ पैकेजिंग, यानी कि 12 महीने तक आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक इसको मेंशन किया गया है कि कैसे हमें इसे बनाना है। सो ये सारे स्टेप्स इसमें हैं, इनको मैं फॉलो करते हुए इसको बनाऊंगी और आपको रिव्यू दूंगी कि ये कैसा है और आप इसे परचेज कर सकते हैं या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूँ अपनी किचन में और मैंने इसको कर लिया है ओपन, और इस तरीके से अंदर एक और पैकेजिंग इसकी है सो दैट प्रोडक्ट जो है वो स्पॉइल ना हो, और इस पर लिखा भी हुआ है कि ये क्या है। सो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स इसमें लगने वाले हैं, जो भी इंग्रीडियंट्स हमें चाहिए, वो मैंने यहाँ रख लिए हैं। मैंने 2 स्पून पोरेज ली है, 1/2 कप मिल्क और 1/2 कप वाटर लिया है। वैसे उसमें एक सर्विंग की जो क्वांटिटी बताई हुई है वो 1 कप मिल्क 1 कप वाटर, और इसमें 4 स्पून आपको पोरेज की डालनी है, 4 टेबलस्पून, बट मैं सिर्फ इसको टेस्टिंग के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने क्वांटिटी को हाफ कर दिया है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन। मैंने कर लिया स्टोव को ऑन, और इसमें अब मैं डाल रही हूँ वाटर एंड मिल्क, और इसी में मैं अब डाल रही हूँ अपने ओट्स और मिलेट का पोरेज, और अब हमें इसको 10 मिनट्स के लिए कुक करना है। तो इसको कुक होने देते हैं और फिर मैं आपको फाइनली दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है हमारा पोरेज रेडी होने के बाद और टेस्ट में कैसा है। ऐसा दिख रहा है हमारा पोरेज रेडी होने के बाद, क्योंकि मैंने क्वांटिटी हाफ ली थी इसलिए मैंने कुकिंग टाइम भी हाफ रखा, बिकॉज उतनी ही जल्दी वाटर इवेपोरेट हो गया और कम क्वांटिटी तो थी तो जल्दी कुक हो गया वो। और अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा इसका टेस्ट है और वर्थ है या नहीं है ये। सो इट्स वेरी हॉट, क्योंकि मैंने ये डायरेक्ट स्टोव पर से उतार कर और यहां सर्व कर दिया है। सो इसमें यहाँ पर मेंशन था कि आपको वाटर और मिल्क पैन में डालना है, 4 लेवल स्कूप्स डालने हैं पोरेज के, यानी कि 40 ग्राम्स आपको इसमें डालना है, और उसको स्टर एंड कुक करना है फॉर 10 मिनट्स और फीड इमिडिएटली। सो इसमें कुछ वो नहीं है, कुछ स्वीटनेस या सॉल्टीनेस कुछ नहीं है, काफी बेसिक ओट्स जैसा ही फ्लेवर है इसका। थोड़ा सा उसमें डिफरेंट फ्लेवर है हल्का सा मिलेट का, बट जैसे इसमें लिखा हुआ है इफ योर लिटिल वन इज रेडी फॉर न्यू टेस्ट, आप इसमें फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स या फिर जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं या बनाना पाउडर डाल सकते हैं जो इनके ब्रांड का ही आता है, बट आप नॉर्मल भी आपके पास कोई है तो आप डाल सकते हैं इसको, बट एज सच कोई बहुत अमेजिंग टेस्ट नहीं है। बट हाँ, अगर आप कुछ अपने लिटिल वन के लिए ट्राई करना चाहते हैं, न्यू उसको सर्व करना चाहते हैं, तो ट्राई कर सकते हैं इसको, बट जो बेसिक ओट्स होते हैं, जो नॉर्मल ओट्स आते हैं हमारे जो फ्लेवर नहीं होते, वैसा ही सिमिलर सा टेस्ट है इसका, बहुत कुछ डिफरेंट नहीं है। सो मैं नहीं स्पेंड करूंगी 300 रुपीज 250 ग्राम्स के लिए, जो कि मुझे वेल नोन ब्रांड्स के ओट्स मिल सकते हैं, मतलब 150 रुपीज में आपको 1 kg या 1 kg से ज्यादा क्वांटिटी भी ओट्स की मिल जाती है, काफी अच्छे फेमस ब्रांड्स की जिनके ओट्स बहुत टाइम से आ रहे हैं और जिनकी स्पेशलिटी ही ओट्स है, तो उसमें आप अनफ्लेवर्ड ओट्स लेकर अगर बनाएंगे मिल्क में तो ऐसा ही सिमिलर टेस्ट आपको मिलेगा। तो मैं नहीं प्रेफर करूंगी कि मैं 300 रुपीज 250 ग्राम पैकेजिंग के लिए स्पेंड करूं, जबकि मुझे हाफ प्राइस में डबल ट्रिपल नहीं 4 टाइम्स क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है। बट अगर आप ट्राई करने के लिए देखना चाहते हैं कि ये कैसा है और आपको अच्छा लगता है न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई करना, तो आप ट्राई कर सकते हैं। इट्स नॉट बैड बट इट्स नॉट वर्थ द मनी। मुझे लगा था कुछ बहुत ही यूनिक होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्पेशली बच्चों के लिए ये बनाया गया है, तो बच्चों को थोड़ा सा फ्लेवर तो चाहिए ही होता है, इसमें कोई फ्लेवर भी नहीं है एज सच। मिल्क का ही फ्लेवर आ रहा है और थोड़ा सा ओट्स का, बस यही बेसिक फ्लेवर इसमें है, तो मुझे इसमें कुछ बहुत डिफरेंट नहीं लगा, बट यू कैन गिव इट अ ट्राई इफ यू वॉन्ट टू, बट मेरे लिए इट्स नॉट वर्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक द रिव्यू, और अगर आपको
और भी अच्छे अच्छे रिव्यूज देखने हैं, तो स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.